जय हिंद प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चंद्रयान तीन से महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, सबसे पहले मैं आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि चंद्रयान थ्री इसरो के द्वारा सफलतापूर्वक यहाँ पे लैंडिंग करवा दिया गया है। तो गाइस, आप सभी साथियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत ही गौरवान्वित पल है और एक कीर्तिमान भारत ने यहाँ पे रचा है। तो देखिए, आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत सारे यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और मैंने आप लोगों के लिए इस पार्ट में, इस वीडियो में चंद्रयान थ्री से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ए टू जेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे ला चुका है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे, एसएससी या ऑल अदर एग्ज़ाम। तो चलिए गाइस, लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर करते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो देखिए प्यार साथियों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने है, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार क्वेश्चन। भारत तीसरा मिशन मून, भारत का तीसरा मिशन मून चंद्रयान तीन कब लॉन्च हुआ था? जी हाँ, तारीख बताना है आप लोगों को जिस तारीख को चंद्रयान को लॉन्च किया गया था। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो अगर आप लोगों को याद हो तो तारीख थी 14 जुलाई 2023, चंद्रयान थ्री को लॉन्च किया गया था। इसी प्रकार के सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले प्यारे साथियों। चलिए बने रहिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो ये रहा आप लोगों के सामने चंद्रयान तीन के प्रमुख हिस्से कौन कौन से हैं। तो देखिए गाइस, आप लोगों ने देखा होगा चंद्रयान थ्री को जब लॉन्च किया जा रहा था तो उसके प्रमुख हिस्से कौन कौन से हैं, ये यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा है तो बताना है। तो प्यारे साथियों देखिए, यहाँ पे आप लोगों का जो चंद्रयान का बाहरी वाला हिस्सा था उसको कहते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल, और आप लोगों के जो दो पार्ट होते हैं, प्रमुख हिस्सों की बात कर रहा हूँ मैं, लैंडर और रोवर। तो गाइस, इसका सही उत्तर आप लोगों को क्या चूज करना पड़ेगा? सभी। ओके, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं कवर करवा दूंगा। चलिए, चंद्रयान तीन में प्रयोग ईंधन का नाम क्या? जिस प्रकार से गाइस गाड़ी में आप लोगों को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से चंद्रयान थ्री के लिए भी यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए फ्यूल का यूज़ किया गया था। बताना है आप लोगों को गाइस कमेंट्स बॉक्स में, आप भी कमेंट्स कीजिएगा कौन सा फ्यूल यूज़ किया गया था। लिक्विड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर बता दूं आप लोगों को क्या होगा? लिक्विड हाइड्रोजन। जी हाँ, आप लोगों के चंद्रयान थ्री में प्रयोग किया गया था, ईंधन का नाम था लिक्विड हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्यारे साथियों। चलिए बहुत ही शानदार बता दूं यहाँ पे आप लोगों को, ए टू जेड सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है आप लोगों के लिए। चंद्रयान तीन के प्रमुख कितने हिस्सों में है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से है कि चंद्रयान तीन के प्रमुख कौन कौन से हिस्से हैं। ओके, क्वेश्चन आप करेक्ट कर लीजिएगा, चंद्रयान तीन के प्रमुख कौन कौन से हिस्से हैं। चलिए, कौन कौन से हिस्से तो हमने देख लिया है, यहाँ पे कितने हिस्से में है ये आप लोग देख लीजिए। चंद्रयान तीन के जो प्रमुख हिस्से हैं वो कितने हिस्से में है, ये यहाँ पे क्वेश्चन होगा आप लोगों का। कितने हिस्सों में बटा हुआ है? चार, पाँच, तीन या फिर छः। ओके चलिए, तो इस क्वेश्चन का कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा आप लोग, गूगल से खोजिए, कहीं से खोजिए आप लोग, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है प्यारे साथियों? चंद्रयान तीन का कुल वजन कितना है? जी हाँ, चंद्रयान तीन का कुल वजन आप लोगों को बताना है। इस ऑप्शन आप लोगों के सामने 4100 किलोमीटर, 3900, 5100 या 3200 किलोमीटर। तो गाइस, इसका सही उत्तर बता दूं आप लोगों को मैं, जो चंद्रयान थ्री था जिसको लॉन्च किया गया था, यहाँ पे आप लोगों का टोटल वजन मिला के कितना था? तो 3900 किलोमीटर। ओके चलिए बढ़ेंगे यहाँ पे आप लोगों, एक मिनट यहाँ पे देखिए, आप लोगों का 3900 केजी होगा। ओके, केजी होगा, 3900 केजी यहाँ पे आप लोगों का वजन था, ये किलोमीटर नहीं होगा। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, चंद्रयान तीन के लिए प्रमुख किस रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया था? तो ये देखिए यहाँ पे, ये सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों के गलत है।
ओके बता दूं यहाँ पे चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख जिस रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया था उसका नाम क्या था। तो देखिए यहाँ पे LVM, मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ सही नाम, LVM 3 ओके डैश M4, इस नाम को याद रखिएगा। और सारे के सारे आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिएगा, एग्जैक्ट आप लोगों को यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख किस रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया था। तो नाम याद रखिए आप लोग प्यारे साथियों, LVM3-M4। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है द स्टडी ऑफ मून, क्या कहलाता है ये यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो जेरेंटोलॉजी, सेलेनोलॉजी या कैकोलॉजी या सभी। तो प्यारे साथियों बता दूं यहाँ पे आप लोगों को, चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। ओके सेलेनोलॉजी कहलाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाले सभी रॉकेट सफेद क्यों होते हैं। तो गाइस देखा होगा आप लोगों ने, जब भी अंतरिक्ष में कोई भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो वो अक्सर बाहर से व्हाइट रंग का होता है, सफेद रंग का होता है, वो ऐसा क्यों होता है। तो गाइस बता दूं यहाँ पे इसका उत्तर होगा आप लोगों का, गर्म होने से बचने के लिए यहाँ पे उनका रंग जो है वो सफेद रखा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला कौन सा देश है। जी हाँ, भारत ने एक बहुत ही शानदार कीर्तिमान यहाँ पे रचा है, और ये कीर्तिमान है कि भारत चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला कौन सा पहला देश बन गया है। जी हाँ, पहला देश, आज से कोई भी देश जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक लैंडिंग नहीं किया था, जो कि भारत के मिशन चंद्रयान 3 ने यहाँ पे कर दिखाया है। ओके चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार, भारत चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला कौन सा देश है। क्वेश्चन अब और डिफरेंट हो गया। देखिए यहाँ पे, भारत चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला कौन सा देश है। तो प्यारे साथियों ये होगा आप लोगों का चौथा देश है। जी हाँ, तो फिर पहला देश कौन सा है। तो प्यारे साथियों बता दूं मैं यहाँ पे, सबसे पहले जो है चंद्रमा का जो सफल लैंडिंग करवाया था चंद्रमा पे सैटेलाइट का, वो कौन सा देश था। तो ये था यहाँ पे आप लोगों का रशिया था। ओके गाइस, उसके बाद अमेरिका ने करवाया, उसके बाद जो मिशन मून था वो, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे चीन ने, और चौथे नंबर पे हमारे भारत ने कर दिखाया है, और दक्षिणी ध्रुव पे पहला देश है ओके जो कि लैंडिंग किया है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए और देखिए, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था। नील आर्मस्ट्रांग ही था, जो कि आप लोगों का कहाँ का था, तो वो रशिया का ही था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, चंद्रमा एक लूनर डे धरती पर कितने दिन के बराबर होता है। जो चंद्रमा का एक लूनर डे है वो धरती पर कितने दिन के बराबर होता है। जी हाँ, मतलब चंद्रमा का जो एक दिन होता है चंद्रमा पर, वो एक दिन वो पृथ्वी पर कितने दिन के बराबर होता है। तो देखिए चंद्रमा का एक दिन हमारे पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। ओके ये आप ध्यान रखिएगा, हमारे पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है। तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा 4। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, विक्रम लैंडर किसे समझने में मदद करेगा। जी हाँ, जो आप लोगों का विक्रम लैंडर है वो किसे समझने में मदद करेगा। तो चंद्रयान के सतह को, किसको, चंद्रयान 2 के सतह को समझने में मदद करेगा। ओके चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे साथियों। तो देखिए ये रहा, विक्रम लैंडर के पेट में कौन सा यंत्र लगा है, रंबा, चास्ते, इल्सा या प्रज्ञान रोवर। तो देखिए यहाँ पे, विक्रम जो लैंडर है उसके पेट के अंदर आप लोगों का प्रज्ञान रोवर लगा हुआ है। ओके लास्ट में प्रज्ञान रोवर ही उतरेगा और वो यहाँ पे आप लोगों का जो है ऑपरेशन करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों का, विक्रम लैंडर का वजन कितना है। तो गाइस याद रखना है आप लोगों को,
1749.86 के एम है ये आप लोगों का लैंडर का वजन। चलिए विक्रम लैंडर का, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है विक्रम लैंडर का आकार कितना है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 6.56 × 6.56 × 3.82 फीट। ओके, ये आकार हो जाएगा आप लोगों का विक्रम लैंडर का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे साथियों। तो ये रहा चंद्रयान 3 मिशन को कहाँ से लॉन्च किया गया है। जी हाँ, तो बताया था आप लोगों को मैंने 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से यहाँ पे आप लोगों का जो है मिशन 3 लॉन्च किया गया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा इस, ये जो चंद्रयान 3 मिशन है इसकी कुल लागत कितनी आई है, मतलब बनाने के लिए टोटल जो खर्चा है लॉन्चिंग से लेके सफल लैंडिंग तक टोटल जो खर्चा आया है उसके बारे में यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा टोटल 615 करोड़ रुपए का खर्चा यहाँ पे आप लोगों के चंद्रयान 3 मिशन में आया है। वेरी वेरी IMP और मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए इससे पहले कौन कौन से देश चंद्रमा पर पहुंचे हैं, तो सबसे पहले रूस पहुंचा है, उसके बाद अमेरिका, फिर चीन, तो ये सभी के सभी जो है पहुंचे हैं। ओके, चौथे नंबर पे अब हमारा भारत भी हो गया है सफल लैंडिंग कराने वाला देश। ओके, दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला पूछेगा क्वेश्चन, तो पहला। ओके चलिए अभी देखिए यहाँ पे चंद्रयान 3 कितने दिन में सफल लैंडिंग किया। जी हाँ, टोटल कितने दिन लगे सफल लैंडिंग करने के लिए, 50, 29, 40, कोई नहीं। तो देखिए गाइस यहाँ पे आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से, कोई नहीं। जी हाँ, वो कैसे, तो 14 जुलाई को आप लोगों का मिशन स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे 23 अगस्त को सफल लैंडिंग की गई। तो इस प्रकार से टोटल देखा जाए तो आप लोगों का चंद्रयान 3 टोटल 59 डेज में यहाँ पे मिशन को कंप्लीट किया है। ऑप्शन में आप लोगों के ये तीनों ही नहीं है। ओके, तो इसका उत्तर कोई नहीं हो जाएगा। और आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा तो ऑप्शन में 59 दिखाएगा, तो आप लोग करेक्ट कर दोगे, 59 दिन में टोटल आप लोगों का जो है मिशन यहाँ पे सक्सेस हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की रिसर्च अवधि कितनी है, मतलब जो लैंडर और रोवर है वो यहाँ पे चंद्रयान पर, चंद्रमा पर कितने दिन तक यहाँ पे मिशन पे है। ओके, कितनी अवधि तक के लिए, तो ये देखिए गाइस यहाँ पे ऑप्शन में आप लोगों को कोई भी सही नहीं है। बता दूँ यहाँ पे 15 दिन आप लोगों का लैंडर है और 15 दिन रोवर, ये दोनों ही 15-15 दिन रिसर्च करेंगे वहाँ पे। ओके, तो ऑप्शन आप लोगों का अगर 15 रहा तो सही कर दोगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों का, क्योंकि पहली बार चंद्रयान जब लॉन्च किया गया था तो वो तारीख थी 22 अक्टूबर, क्या थी, 22 अक्टूबर 2008। ओके चलिए अब आ जाता है आप लोगों का इसरो का प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो ये था आर्यभट्ट था 9 यानी 19 अप्रैल 1975 को पहला उपग्रह भारत का जो कि लॉन्च किया गया था, वो भी किसकी मदद से, रूस की मदद से लॉन्च किया गया था, आर्यभट्ट था। ओके ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ चटर्जी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1969 को हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। चलिए ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के मिशन के लैंडर को किस नाम से जाना जाता है, तो लैंडर आप लोगों का विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है, ये आप ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया गया था। ओके चलिए, तो बताया था मैंने LVSM। ओके ये ध्यान रखिएगा LVSM कई के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो गैश यह थे इतने आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी है। अगर कोई और क्वेश्चन अगर आप लोगों के चंद्रयान 3 से निकल कर आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।